आगे बढ़ते हैं। सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए मनोनीत। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने सुधा मूर्ति को शुभकामनाएं दी, लिखा कि मुझे खुशी है कि भारत के राष्ट्रपति ने नामांकन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सामाजिक कार्य, परोपकार और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में सुधा जी का योगदान अतुलनीय है। राज्यसभा में उनकी उपस्थिति हमारी नारी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण रहेगा। उन्होंने आगे लिखा कि जो हमारे देश की नियति को आकार देने में महिलाओं की ताकत का उदाहरण है, उनके सफल संसदीय कार्यकाल की कामना करता हूं। और ये तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे पोस्ट किया। सुधा मूर्ति, जिन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि भारत के राष्ट्रपति ने नामांकन सुधा मूर्ति का दिया है और ऐसे में सामाजिक कार्य, परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य सुधा मूर्ति ने किया, आने वाले दिनों में जब वो सदन में उपस्थित होंगी तो कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर की। तस्वीरों में सुधा मूर्ति जी आपको नजर आ रही हैं, जो कि अब राज्यसभा में, क्योंकि मनोनीत उन्हें किया गया है राष्ट्रपति की ओर से, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उदाहरण देते हुए, क्योंकि कई डायमेंशन पर सुधा मूर्ति ने काम किया, आप कई उनकी इंटरव्यूज को सुनेंगे तो आप जानेंगे कि समाज के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से उनका योगदान रहा है। और बावजूद इसके कि जमीन से जुड़ी हुई हमेशा से वो रही है, लेकिन जो नए विचार हैं उनको लेकर भी कितनी ज्यादा जागरूक और कितनी ज्यादा जिज्ञासु वो नजर आती है। अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के एनवायरमेंट को उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ में वो फील करती हूँ। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में जब सदन में उनकी उपस्थिति होगी तो महिलाओं के लिए एक तरीके का प्रेरणा स्वरूप सुधा मूर्ति होंगी। सफल संसदीय कार्यकाल की शुभकामनाएं उन्होंने दी और उसके बाद में ट्विट जो उनका एक्स हैंडल है उस पर ये तस्वीर पोस्ट करते हुए ये बातें लिखी।